मुंबई के वर्ली इलाके में प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आइसोलेशन के वैकल्पिक इंतजाम भी करने शुरू किए। वर्ली में पोर्टेबल आईसीयू कंटेनर्स बनाए गए। आखिर क्या है ये, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मुंबई के वर्ली इलाके के NSCI डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में हूँ, जहाँ पर कोरोना की जंग में अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है और इसी कोशिश में अब कंटेनर आईसीयू बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर अति गंभीर स्थिति में पहुँचे कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये इलाज ऐसे डॉक्टरों के जरिए किया जाएगा जिन्हें मरीज तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये डॉक्टर रिमोट कंट्रोल से मरीज का इलाज करेंगे। और ये सब कैसे होगा ये बताने के लिए मैं आपको उसी डेडिकेटेड आईसीयू जो कि एक कंटेनर की शक्ल में है वहाँ पर ले आया हूँ। ये तमाम कंटेनर जो हैं वो आईसीयू के तौर पर बनकर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। एक कंटेनर में दरअसल दो पेशेंट्स रखे जाएंगे, ये इसमें यहाँ पर भर्ती होंगे और इन्हें देखने के लिए डॉक्टर जो हैं वो कंट्रोल रूम से ऑपरेट करेंगे, उन्हें देखेंगे। मतलब डॉक्टरों के पास भी अब कम जोखिम होगा कि वो मरीज तक पहुँचे और उनका इलाज करें। ये किस किस्म का होगा ये बताने के लिए इस सेंटर में हम आते हैं। आप देख सकते हैं इसे एक अस्पताल के कमरे की शक्ल देने की कोशिश की गई है इस कंटेनर को। यहाँ पर वॉश बेसिन है, इसके अलावा एक टॉयलेट है और इस कंटेनर का जो दूसरा हिस्सा है, मतलब जिस हिस्से में हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर दूसरा पेशेंट होगा। मतलब एक कंटेनर में दो पेशेंट होंगे। ये एक इंटेंसिव केयर यूनिट होगा जिसमें डॉक्टर के आने की ज़रूरत नहीं होगी, डॉक्टर रिमोट से यहाँ पर एडमिट पेशेंट्स को देखा करेंगे। तो ऐसे कई कंटेनर जो हैं वो बनाए गए हैं। मैं बता दूं कि मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, दरअसल ये फेज़ टू का जो काम हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं। फेज़ वन पहले से ही बनकर तैयार है। फेज़ वन में 5 कंटेनर ऐसे मुंबई में बनकर तैयार किए गए हैं जिनमें 10 पेशेंट्स का इलाज इस समय चल रहा है। किस तरीके से इन कोशिशों को और आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए खुद डॉक्टर राजीव जोशी हमारे साथ हैं, जो कि जिनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि फेज़ वन का काम पूरा हो चुका है, फेज़ टू का काम भी बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। कितने पेशेंट्स का इलाज जो है इन आईसीयू में किया जाएगा? फेज़ वन में जो हमारे पास 10 बेड्स हैं तो हम 10 बेड के इमीजिएटली ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा पहला पेशेंट ऑलरेडी आ चुका है, आपने शायद पहले भी देखा है कि थोड़ी मूवमेंट चल रही थी वहाँ। फेज़ टू में जो है, ये फेज़ वन जैसे कि फेज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, फेज़ टू में और 15 पेशेंट लिए जाएंगे, करीबन 3-4 दिन में वो भी शुरू हो जाना चाहिए। और फिर आपको मैं ले चलता हूँ वहाँ जहाँ से कंट्रोल रूम से हम लोग ये सब मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। बिल्कुल, इन कंटेनर्स की खासियत भी डॉक्टर साहब यही है कि डॉक्टर को व्यक्तिगत तौर पर मरीज़ के पास आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रिमोट कंट्रोल से या कहें कि कंट्रोल रूम में बैठ कर वो मरीज़ को अटेंड कर सकता है। कैसे कुछ होगा ये सब? ऐसे कॉन्टैक्ट में नहीं आना, ये तो होता ही नहीं है। पेशेंट का इलाज करना है तो डॉक्टर को तो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आना ही है। ये कंटेनर में क्या होगा कि हमारा कॉन्टैक्ट टाइम कम हो जाएगा, तो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम जो डॉक्टर्स हैं, उनका एक्सपोजर कम रहेगा वायरस के लिए। तो वो क्या करेंगे, अभी आपने देखा एक्टिविटी की, पेशेंट अंदर जब भी अनस्टेबल होता है तो हमारे डॉक्टर्स इमीजिएटली जाते हैं, हमेशा 24 घंटा यहाँ ड्यूटी से वो बाहर बैठे रहेंगे और जो सीनियर्स जो है वो कंट्रोल रूम से मॉनिटर करते रहेंगे। तो जैसे ही उनको कुछ भी हेल्प लगा तो कंट्रोल रूम से इमीजिएटली हम लोग कुछ ट्रीटमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। तो कंट्रोल रूम से जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे और पेशेंट्स एडमिट होंगे इस किस्म के कंटेनर में जो कि आईसीयू के तौर पर तर्ज पर बनाया गया है। इसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो अमूमन किसी अस्पताल के आईसीयू में होती हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा ये समझाने के लिए अब हम चलते हैं उस कंट्रोल रूम में जहां से डॉक्टर अपने पेशेंट्स पर निगरानी रखा करेंगे और उनका इलाज करेंगे। वीडियो जर्नल सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।